पासपोर्ट और ये कैप्चा भर के बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मेरे सामने स्टाफ से एक पिजअप खुल गया है यहाँ पे, और यहाँ पे आप तुम देख सकते हो, यानी कि यहाँ आप देख सकते हो कि स्टाफ से ये मेरे सामने पेज खुला है। यहाँ पे आपका जो मुंबई से मैंने फिलअप किया हुआ है, यहाँ पे आप जो एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिखा रहा है, आपका इस एप्लीकेशन स्टेटस आपका सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका एलिजिबिलिटी एरिया, पेमेंट डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स और प्रिंट एप्लीकेशन सारी क्या है, इसमें ग्रीन टिक है और सभी पे आपके ओके का निशान आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब मेरा ये है कि आपकी मेरी जो एप्लीकेशन है, जो मैंने आप फिलअप वो ऑनलाइन के लिए आपकी कॉल रखी है, वो पूरी तरीके से सबमिट हो चुकी है, ठीक है। और उसका जो प्रीव्यू तुम देखना चाहते हो वो यहाँ से आप देख सकते हो। तो अगर आपकी जैसे लॉग इन करते हो और आप देखना चाहते हो कि अगर आपको चारों टिक, यानी कि इसके अंदर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेमेंट है, एडिशनल डिटेल्स है और प्रिंट एप्लीकेशन है, चारों ही आपकी ग्रीन टिक में हो रही हैं, तो आपकी फॉर्म सबमिट हो चुका है, सबमिट हो चुका है बिल्कुल प्रोविजनली, और आपका फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि होती है तो छोटी मोटी होती है, जैसे कि आपका क्या है, बहुत से लोग ने ये कमेंट किया है कि आपका जो ब्लैंक इंक है या फिर इससे साइन करना था, या फिर आपका ब्लू इंक से साइन करना था, ब्लू इंक से साइन कर दिया तो क्या होगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है या फिर फोटो से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, तो रेलवे अपनी वापस अपनी साइट पे एक लिंक प्रोवाइड करवाएगा, जिसके माध्यम से आपको वापस वहाँ पे जाके पुनः अपने फोटो या फिर साइन से संबंधित कुछ जो भी करेक्शन करना है कर सकते हो, ठीक है। तो ये बाद में जैसे ये LP में हुआ था, ये ग्रुप डी में हुआ था, ऐसा वापस एक लिंक करेक्ट करवा देगा। लेकिन आपने पेमेंट ही नहीं फिलअप किया हुआ है या फॉर्म ही आधा भरा हुआ है और फिर तुम चाहते हो कि मेरी सबमिट हो जाए, फिर हो जाए आपकी जो एप्लीकेशन है, वो संभव नहीं है, ठीक है। तो ये चारों टिक तो आपकी ग्रीन हो जाएंगी, तो आपको पूरा क्या कहते हैं, सर्टिफिकेशन हो जाना चाहिए कि आपका फॉर्म और एप्लीकेशन बिल्कुल क्या है, सबमिट हो चुकी है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। तो फ्रेंड्स अब भी तुम भी चेक कर सकते हो कि इसको बार बार अपनी JE की साइट पे जाके, और इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये चारों लिंक आपकी, चारों आपकी टिक ओके है तो फॉर्म में आपका सबमिट है, ठीक है। बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। और ब्लू इंक वाले हैं तो ब्लू इंक वालों का तो कोई कोई इशू नहीं है, अगर ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम तो कुछ ही ज़्यादा इग्नोर कर देगा एक रेलवे, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने ब्लैक से किया हो चाहे आपने ब्लू से किया हो साइन, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स आगे की अपडेट आप पाने के लिए इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि और भी अपडेट मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय।